21st century. So in the reserve, so wildlife sanctuary is also one of the reserved area. So this provide wildlife sanctuary provide protection and suitable living condition to wild animals. And sanctuaries are placed where? Sanctuaries are placed where poaching, that is killing, and even capturing of animals is prohibited. तो वहां पर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो इतना सब कुछ होने के बाद जो भी इतने सारे जानवर को मारा जाता है उनकी खाल के लिए, उनके सिंग के लिए, या फिर उनके जो हाथी के दांत होते हैं उसके लिए हाथी को मारा जाता है, या फिर आपके राइनोसोर्स होते हैं जो उनके सिंग जो नाक पे लगा होता है उसके लिए उनको मारा जाता है. बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही बेदर्दी से उनको मारा जाता है. वेरी वेरी इनह्यूमन कंडीशन और वेरी पुअर कंडीशन में. यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर कि आपके जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वहां पे एक राइनोसोर को मारने के लिए जो है किसी ने मशीन गन से उसके अंदर 30 या 40 गोलियां उसके अंदर एक राइनोसोर को से उससे मार दी. और उसके बाद वो मरा नहीं, वो अभी तक जिंदा था और उसके उसके सिंह को काटने के लिए आरी से जिंदा ही उसकी नाक को काट दी है, पूरी की पूरी नाक को. कितना बेदर्दी का काम है, कितना दुख वाला काम है. सो इट इज वेरी पिटी दैट इवन इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व द लाइफ ऑफ एनिमल्स इज नॉट प्रोटेक्टेड एंड पीपल लिविंग नियर बाय द जंगल इंक्रोच एंड डिस्ट्रॉय द हैबिटेट एंड किल देम फॉर मनी. पैसा कमाने के लिए वो उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और इवन दे किल द एनिमल्स वेरी ब्रूटली, बहुत ही बेदर्दी से उनको मार देते हैं. सो देन लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल रिजर्व्स. सो दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. तो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा होता है नेशनल पार्क. एंड दे नॉट ओनली प्रिजर्व, दे नॉट ओनली प्रिजर्व flora and fauna of that area, flora and fauna and landscape of the area, but also historic objects in that. तो historic object में हो सकता है कि वहां पे बहुत ही पुराना कोई पौराणिक बहुत ही पुराना वेरी वेरी ओल्ड देयर इज सम काइंड ऑफ ए स्टोन्स आर देयर कार्व्ड स्टोन्स जिसमें नक्काशी की हो. देयर मे बी सम काइंड ऑफ ए फोर्ट, कोई किला हो उसके आसपास, वो सब जो है. सो ऑल दोज हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स इन दैट दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड ट्राइबल पीपल नियर दैट जंगल, ट्राइबल पीपल नियर द पार्क collect the essential items found in the jungle. तो जंगल में जो essential items हैं वो वहां से collect करते हैं. You must have read about the right to forest act. So you must be remembering right to forest act. So which we have discussed in the earlier classes. तो ये आपको
राइट टू फॉरेस्ट एक्ट याद होगा, एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड इन योर टेक्स्ट बुक दैट सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, तो घड़ियाल तो आपको पता होगा, घड़ियाल जो है जिसको मगरमच्छ कहते हैं, पर घड़ियाल और मगरमच्छ में फर्क है, इसको एलिगेटर कहते हैं। एलिगेटर और घड़ियाल में ये फर्क है कि एलिगेटर की जो एक तो छोटा होता है साइज में मगरमच्छ से घड़ियाल, एंड उसकी जो चोंच होती है मुंह होता है वो बड़ा पतला सा होता है, लंबा सा, और घड़ियाल मतलब कि जो मगरमच्छ है उसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है लेकिन बड़ा होता है। और भी कुछ उसमें अलग दोनों में देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द यू नो द एलिगेटर एंड द क्रोकोडाइल। सो बट घड़ियाल जो इंडियन घड़ियाल है दैट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड योर पाइथन, राइनासोर, राइनो जिसकी अभी हमने बात की थी, जो आपके असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, पाइथन आपका अजगर जो है खास तरीके का, उसकी स्किन के लिए उसको मार देते हैं। सो दीज आर दी इंडेंजर्ड स्पीशीज, सो बट दे आर प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड इन दी नेशनल पार्क। तो इन सबको नेशनल पार्क में रिजर्व रखा जाता है ताकि ये स्पीशीज जो है अपने आप को ग्रो कर सके और जिंदा रह सके। ये नहीं कि हम सिर्फ उनको किताबों में ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ फोटो देख रहे हैं, असली में वो मिलते ही नहीं है। सो इन जू द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, जू में भी हम प्रोटेक्ट करते हैं बट दे डोंट हैव द फ्रीडम एंड लिबर्टी लाइक जंगल। तो जंगल में वो खुले तौर पर रहते हैं, उनको बहुत फ्रीडम है। सो लाइकवाइज अगर आपको घर के अंदर ही कमरे के अंदर सब कुछ मिले और खाने को भी मिले, खेल का सामान भी मिले, पढ़ने के लिए भी मिले, सो हाउ मच यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट बी हैप्पी। आपको पढ़ने के लिए स्कूल जाना है, स्कूल में आपको और भी दोस्त चाहिए, तो खेलने के लिए आपको बाहर जाना है, वहां पे आपको खेलने के लिए दोस्त चाहिए, तो वो एक एनवायरमेंट है वेर यू फील हैप्पी। दैट्स द सेम थिंग हैपन्स विद द एनिमल्स। सो एनिमल्स ऑल्सो डोंट फील हैप्पी इन जू, एनिमल्स डोंट फील हैप्पी इन जू एंड डोंट ग्रो लाइक इन जंगल। तो जंगल में जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वो जू में ग्रो नहीं करते हैं। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपके खेलने का या फिर स्कूल जाने का जो एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। सो लाइक सेम थिंग हैपन्स विद द एनिमल्स। सो सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व था वो सतपुड़ा नेशनल पार्क था। सो द फाइनेस्ट इंडियन टीक वुड, जो टीक की जो लकड़ी है वो सबसे यहीं पर ही मिलती है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक वुड इज फाउंड इन द सतपुड़ा पार्क, एंड इवन ऑल्सो देर आर रॉक पेंटिंग्स इन दिस फॉरेस्ट रिजर्व। सो देर आर ऑल्सो रॉक पेंटिंग्स शोइंग एनिमल्स हंटिंग, डांसिंग ऑफ पीपल विद इंस्ट्रूमेंट। सो लाइक वी टॉक दैट दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो इन दैट वन
not only the flora and fauna are protected, but also the other historic objects are also in the national park. Historic objects are also preserved. So these rock paintings are basically the historic objects. So they are also preserved in this. So let's talk more about this wildlife reserves in the next chapter.